चेन्नई से पटना जा रही गंगा कावेरी एक्सप्रेस में बंदूक की नोक पर बदमाशों ने जमकर लूटपाट की। विरोध करने पर बदमाशों ने कई यात्रियों को चाकू मारकर जख्मी भी कर दिया, जिसमें चार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मानिकपुर इलाहाबाद रूट पर पन्हाई रेलवे स्टेशन के पास बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। यात्रियों के मुताबिक ट्रेन में सवार आधा दर्जन डकैतों ने ट्रेन की आधा दर्जन बोगियों में करीब 1.25 घंटे तक लूटपाट की। इसके बाद वो घने जंगल की तरफ भाग निकले। पुलिस ने डकैतों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी बदमाश नहीं पकड़ा गया है। हम आपको बता दें कि गंगा कावेरी एक्सप्रेस नंबर 12669 रविवार की शाम को चेन्नई से पटना जा रही थी। ट्रेन ने मानिकपुर जंक्शन से रात 1:05 को इलाहाबाद के लिए कूच किया। मानिकपुर थाना क्षेत्र के ही पन्हाई रेलवे स्टेशन को पार करते ही करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर आउटर में 1:27 पर डकैतों ने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन के रुकते ही डकैतों ने असलहे, चाकू और छुरे लहराते हुए बोगियों में लूटपाट शुरू कर दी। करीब 1.5 दर्जन बदमाशों ने ट्रेन की S3 से लेकर S9 तक की बोगियों में लूटपाट की। ट्रेन के गार्ड ने कई बार उतरकर चेन पुलिंग को सही किया और ट्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के चलने का हॉर्न बजते ही डकैत चेन पुलिंग करके ट्रेन रोक देते थे। करीब 1.25 घंटे तक डकैतों ने यात्रियों से जमकर लूटपाट की। इलाहाबाद की तरफ जा रही थी चेन्नई से, करीब 1:15 बजे के आसपास पन्हाई रेलवे स्टेशन है, इसके आउटर के पास पहले इसका चेन पुलिंग करके रोक दी गई और इसमें जो रिजर्वेशन की है S9 में सबसे ज़्यादा लूटपाट की घटना हुई है। और कल ये बताया जा रहा है कि 10 के आसपास बदमाशों की संख्या बताई जा रही है। इसकी सूचना 100 नंबर पे आई थी। 100 नंबर पर सूचना मिलते ही हमारे इंस्पेक्टर मानिकपुर भी आ गए, क्योंकि मैं कप्तान है, वो हमारा एडिशनल स्पीसी उसी, सभी लोग घटना की सूचना मिलते ही तत्काल आ गए। हम लोगों ने जिस बदमाशों को जाना बताया गया था उस इलाके में हम लोगों ने जाके पूरी कॉम्बिंग की, सर्च किया उसमें, फिर डॉग स्क्वाड का भी प्रयोग किया गया है। और ये अंदाज है कि किस तरफ गए हैं बदमाश, इसका अंदाजा हम लोगों को लग रहा है। हम लोग इसी हिसाब से जो आसपास के गांव हैं उसमें पता कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना का हम लोग अनावरण करने में जीआरपी को सहयोग करेंगे।